हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। आई एम आरजे व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हो गया है फ्राइडे और बज गए हैं सुबह के 10:30। मैं हो गया हूँ एकदम फ्रेशन अप, एंड मतलब ब्रश किया हुआ है और मैं एकदम फ्रेश हो गया हूँ। मॉर्निंग से ही मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया है। क्या काम किया है वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। उसके साथ साथ मेरे लिए आ गया है यहाँ पर नाश्ता। सामने जो मीनाबा रहते हैं, मतलब मीनाक्षी आंटी, उन्होंने मुझे गर्मा गर्म पराठे और चाय दे दिया है, तो मैं करूँगा डायरेक्ट नाश्ता। थैंक यू सो मच मीना आंटी। उसके बाद यहाँ पर बाजू में जो बा रहते हैं वो भी मेरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। उनके यहाँ से भी बहुत खाना आता है मेरे लिए, तो उनको भी थैंक यू सो मच। और मेरे अपार्टमेंट के भी सारे लोग मुझे बहुत पूछते हैं, रोहित कुछ भी चाहिए तो बताना, तो मेरे अपार्टमेंट वालों को सबको थैंक यू सो मच। दूसरा थैंक यू मेरे जो छोटे छोटे फ्रेंड्स हैं उनको भी थैंक यू, क्योंकि उन लोगों ने कल बहुत ही अच्छा सरप्राइज प्लान किया था, तो उनको थैंक यू। मेरी दीदी, मेरा जीजा जी, उनके बच्चों को भी थैंक यू। और स्पेशली मैं अपना कल एक वीडियो और यहाँ पर रखने वाला था, बट मैंने जानबूझ के नहीं रखा। क्यों? बिकॉज कि कल बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो खींच गया था, इसके लिए मैंने आज रख रहा हूँ, मैं आज वो वीडियो रख रहा हूँ। मेरे भाई भाभी आए थे, केतन और मेरे भाभी, उन्होंने मुझे दिया है गिफ्ट में टी शर्ट, तो वो वीडियो भी मैं यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच केतन एंड भाभी। आज भाभी का बर्थडे भी है, तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड अभी मैं करूँगा नाश्ता, उसके बाद मिलते हैं। सो यहाँ पर देखा जाए तो अभी दिवाली पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, क्योंकि कल था लास्ट देव दिवाली। देव मतलब भगवान लोगों की दिवाली थी और तुलसी विवाह भी था। तो अभी ये सारी जो भी लाइटनिंग है उसको मैंने निकाल दिया, उसको अच्छे से थोड़ा बहुत साफ़ कर लिया, और सब कुछ निकाल के मैंने यहाँ पर उसको अच्छे से राउंड अप करके मैंने रख दिया है। मुझे पता नहीं है कि मम्मी ये सारी चीज़ें कहाँ रखती है, तो मैंने अच्छे से बालकनी में इसको रख दिया हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पर हवा भी बहुत अच्छी चल रही है और एटमोसफियर मतलब जूनागढ़ का बहुत ही ज़्यादा मस्त है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ का एटमोसफियर। एंड जो भी दिए हैं, मतलब कि जो भी आपको दिख रहा है वहाँ पर बालकनी में एक दिया है और दूसरे मेरे मेन डोर पे, और उसमें सारे जो मिट्टी के दिए हैं वो सारे दिए मैंने ले लिए, उसको भी मैंने वॉश कर दिया अच्छे से और उसको भी मैंने वहाँ पर बालकनी में सुखा दिया है। तो ऐसा थोड़ा सा मॉर्निंग में काम किया ताकि मम्मी जब आए तो उनको थोड़ा बहुत कम काम रहे इसके लिए। बज चुके हैं 9:45 और मेरे दीदी और मेरे जीजा जी गए। अभी आए हैं मेरे भाई भाभी और उसका बेटा, ये है केतन, ये है मेरे भाभी और ये है उनका बेटा, और वो क्यूटी लेके आए हैं मेरे लिए गिफ्ट। तो वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस गिफ्ट है, क्योंकि वो छोटू राजा लेके आया है मेरे लिए। ला दे छा अब मुझे गिफ्ट, वो थोड़ा सा शर्मा रहा है। थैंक यू। तो अभी मैं खोलूंगा गिफ्ट और फिर आपको दिखाऊंगा कि क्या लाया है मेरे लिए। सो ये टी शर्ट लाया है मेरा भतीजा मेरे लिए, थैंक यू सो मच। तो बस ये टी शर्ट बहुत ही अच्छा लगा मुझे, थैंक यू भाई भाभी। सो अभी बज चुके हैं 12:00 और मैंने सारे कपड़े पूरे वीक के एक साथ मशीन में डाल दिए, तो वो अभी मस्त धुल जाएंगे। सो कपड़े अपने आप धुल रहे हैं मशीन में, वो उसका काम है, वो करेगा। और मैं कर रहा हूँ मेरा दूसरा काम, मैं जा रहा हूँ मंजू को दूध देने के लिए। कल पता नहीं कुछ मैटर हो गया था उनकी फैमिली में रात को, तो मतलब कि रात को मंजू की फैमिली में मैटर हो गया था, तो लड़ाई करते करते मतलब हमारी सीढ़ियों तक पहुंच गए थे, तो इतनी ज़्यादा भाव भाव भौका भौकी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ये नींद बिगाड़ी दी है उन लोगों ने, तो कल उनकी थोड़ी सी सर्विस करनी पड़ी। कल रात को डंडा लेके मैं 2:30 बजे रात को बाहर निकला था और थोड़ा सा मुझे देना पड़ा उनको, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं वरना ऊपर तक चढ़ जाते हैं सीढ़ियों पे, और हमारा पूरा पैसेज है उसमें भी इन लोगों ने इतनी मेहनत करके रंगोली बनाई होती है ना, तो वहां पर भी वो पूरी रंगोली बिगाड़ देते हैं। तो थोड़ी सी कल सर्विस करनी पड़ी मंजू की और उनके फैमिली मेंबर की, बट इट्स ओके, समटाइम्स प्यार के साथ थोड़ा बहुत फटकार भी जरूरी है। दूध थोड़ा ज्यादा था जिसको भी थोड़ा बहुत मिल गया, खुश नसीब है ये भी, देखो कैसा दिख रहा है मुझे। और यहाँ पर हमारी मिसेस मंजू के लिए भी दूध अलग से अंदर है भरा हुआ पूरा। और ये रहे हमारे पपी, उसकी आंखें खुल गई है, क्यूटी हाय, गुड्डू, वाओ वाओ वाओ।
देखो कितने क्यूट है, 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों एकदम हेल्दी है, एकदम हेल्दी। उसका रीजन है क्योंकि मैं और मेरी अपार्टमेंट के बहुत सारे लोग, वो जो दिव्यराज है वो भी भूलता नहीं है इसको बिस्किट और रोटी वोटी खिलाने का। और जो सामने हचुबा रहते हैं, एक्चुअली हचुबा इसलिए बोलते हैं कि वो जो एक होता है ना, वो पर्टिकुलर में उनको पीछे बाल लगाते हैं, तो इसके लिए वो राजपूत है, तो इसके लिए हम उसको पीछे बाल लगा के बुलाते हैं। तो वो भी कभी भी भूलती नहीं है इसको दूध पिलाना और खाने। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपार्टमेंट में इसका बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। पड़ा हूँ यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि ये देखो है ये, और दूसरा यहाँ पर है। वो लोग अभी तादाद में, जैसे मैं यहाँ से हटूँ तो दूसरा जो दूध अंदर भरा है वो उसके ऊपर हमला किया जाए, बट ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि आई एम वेटिंग फॉर मंजू। मेरे पास इतना कुछ काम नहीं है अभी, तो मैं 5-10 मिनट वेट कर लेता हूँ मंजू का। आई डोंट नो, वो भी कुछ खाना ढूंढने ही गई होगी, तो या तो टहलने गई होगी, थोड़ा घूम फिर ले ऐसा। तो आ जाती है अगर 5 मिनट में, तो फिर मैं निकलता हूँ। और बस अभी और तो कुछ मेरा काम है, देख रहे हो आ गई हमारी मंजू फाइनली। गो 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 इनसाइड, कम कम कम। देखो ये आ गई मंजू और पी रही है अपना दूध। ये देखो इनको क्या हो गया, भड़क गए भाई। सॉरी आपके घर में घुसने के लिए, आई एम सॉरी। ए क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, आ गई ना मम्मी। देखो लोगों को मैं हिंदी सिखाऊंगा तो ये हिंदी ही बोलेंगे, है ना, हिंदी गुजराती मिक्स। चलो मंजू का हो गया है खाना, अब मैं जा रहा हूँ ऊपर। हेलो गुड इवनिंग ब्यूटीफुल पीपल, अभी बज चुके हैं 6:15 और मैं हो गया हूँ एकदम रेडी। और आज आने वाले हैं खाने पे मेरे घर पे गेस्ट। कौन आएंगे और कौन हो सकता है, दिव्यराज और निहार आने वाले हैं, और उसके साथ वो छोटा उसका भाई निहार का सार्थक, वो तीन यहाँ पर आने वाले हैं। तो मैंने बोला कि मैं बनाता हूँ आज मसाला खिचड़ी, मेरी स्टाइल वाली जो मैं बनाता हूँ, तो उसकी टेंशन कर दी है और मैं बस अब उसको बनाने जा रहा हूँ। अभी मैं उसको बनाऊंगा और मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी कर दूंगा, सब कुछ बना ही दूंगा, और उसके बाद हम लोग मिलके रात को खाना खाएंगे साथ में। अभी यहाँ पर मेरे साथ खड़ा है सार्थक और मेरा काम हो गया है स्टार्ट, और मेरा काम, और यहाँ पर बैठा है निहार और अपना हीरो जीरो, सॉरी हीरो। और इस मीटिंग खत्म हुई तो मैंने सोचा फटाफट मैं खिचड़ी का झोंक लगा दूं, मतलब खिचड़ी रेडी कर दूं, फिर हम सब मिलके खाएंगे। अभी हम सब बैठ गए हैं यहाँ पर खाना खाने। तो ये रहा सार्थक, ये रहा अपना जीरो हीरो, और ये दूसरा हीरो जीरो, और ये मैं। हम लोग खिचड़ी, पापड़, पिकल, छाछ, कैसी लग रही खिचड़ी, सच बताना। रिव्यू अच्छा दो, रिव्यू भाई सच्चा दो, अच्छा दो। थैंक यू सो मच।